ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एप्लीकेशन। जी हाँ, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट की, इसको यूज कर आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और उस फोल्डर को ढूंढना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नए नोटिफिकेशन और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस भी फोल्डर को हाइड करना है, मान लीजिए मुझे इस शिवाय नाम के फोल्डर को हाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा CMD। ध्यान दीजिएगा, आपको CMD टाइप करना है। और जैसे आप CMD टाइप करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या खुल जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट का एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, एक्ट्रिव AWT। और ध्यान रखिएगा, जो जो मैं टाइप कर रहा हूँ आपको एज इट इज वही टाइप करना है। एक्ट्रिव टाइप करने के बाद आपको लगाना है स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है +H (+S)+R। और उसके बाद स्पेस लगाने के बाद आपको जो भी फोल्डर हाइड करना है उसका नाम लिखना है। जैसे मेरे फोल्डर का नाम है शिवाय SHI और मैं एंटर दबाऊंगा, तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर यहां से गायब हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले ये फोल्डर यहां पे था बट अब ये नहीं है। आप यहां इसे कहीं भी ढूंढेंगे ये नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहां पर सर्च करता हूं तो ये फोल्डर यहां पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये वैसे ही एक फाइल है बट फोल्डर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे इसे वापस कैसे लाना है, तो एज इट इज हमें फिर से क्या करना है, वहीं पे जाना है, वहीं पे फिर से हमें क्या लिखना है, CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर करना है और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्ट्रिव, फिर से जाएंगे यहाँ पे और जहाँ जहाँ हमने प्लस लगाया था वहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, यानी कि -H (-S)-R। और उसके बाद हम स्पेस लगाने के बाद उसी फोल्डर का नाम लिखेंगे जो कि हमारे पास था शिवाय। उसको एंटर करने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं इसको एंटर करने के बाद क्या हुआ, वो फोल्डर हमारे पास वापिस आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही ट्रिक थी। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। बिना हमने किसी ऐप का यूज किए पीसी के अंदर किसी भी फोल्डर को हाइड करने की मैंने आपको ये ट्रिक बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब भी जरूर कर देना चैनल को। तो मिलती है आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।